सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का दिन है वो हमारा है दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने का, विशाल और यश के साथ। बाकी होपफुली वो सक्सेसफुल हो जाए। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विशाल की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है प्लान कैंसिल करने की। यश इतना नहीं करता पर वो भी करता है। बाकी यश से बात हो गई है, वो कह रहा है चलूँगा। विशाल ने अभी फ़ोन नहीं उठाया, दो बार ही कर लिया। लेकिन जो मोटी बात वो है वो ये है कि आज जिम सुबह जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने मोहित को फ़ोन करके पहले ही बोल दिया कि सुबह जिम चल। तो अभी हम चल रहे हैं जिम, तो उसके बाद हम रेडी वेडी होकर जाएंगे घूमने। तो चलो यार, दिन की शुरुआत करते हुए जिम पहुंचते हैं पहले। सो गाइज, अपना वर्कआउट हो चुका है एंड अब समय आ गया है तैयार होने का, क्योंकि विशाल से भी बात हो गई है, यश से भी बात हो गई है। तो 12 बजे निकलने का टाइम दिया है, अभी 11:15 हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता हम 12 बजे तक निकल पाएंगे, बट निकल तो जाएंगे। मैंने अपना शेक भी रेडी कर लिया है ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट सुबह थोड़ा कम पड़ गया था, थोड़ी वीकनेस लग रही है। रात को नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो उसमें थोड़ी सी मैंने कॉफ़ी भी ऐड कर दी है। तो जो भी है, मतलब पूरी तरीके से मैं तैयार हूँ, बस रेडी होना बाकी है। मतलब नहा धो के अपना रेडी वेडी होके फिर निकलते हैं। सो गाइस, दो स्मार्ट और हैंडसम लड़के निकल चुके हैं। अब यहाँ से हमें ऑटो लेना है, पहले उसकी अपनी अलग स्ट्रगल है। भाई देखो, ये बंदा कैसे लड़ रहा है ऑटो वाले से। भाई करेंसी को कैसे इग्नोर कर सकता है, मेरे को तो समझ नहीं आ रही। जब वो बंदा 20 का नोट दे रहा है, तूने मना कैसे कर दिया भाई? गवर्नमेंट के रूल्स के अगेंस्ट है भाई। ले ले, देख जो जो ऑटो जल्दी मिलते हैं ना, उनमें फिर ये दिक्कत होती है। ऐसा करो, ये 10 का लो, मेरे को 20 का दे दो। 20 का है भैया? भाई तुम्हारे पास है? 10 का ले ले, 20 का दे दे भाई। बता, शर्मा गया भाई। 20 का दे दे ना, वो वाला नहीं जो दिखाना था अभी भाई, वो बड़ा हालत खराब है उस नोट की। तो भाई लास्ट टाइम जब मैं आया था, मैंने रिकॉर्ड भी करा था, मेरे को ऑटो नहीं मिला था। आज मैं इसके साथ आया हूँ, ये लकी चार्म है मेरा। लेकिन जो इसने नोट दिया वो भाई, उसने इतनी बजट मचाई है। नोट तो उसने दिए नहीं भाई, मेरे को ही देने पड़ गए। पूरी पूरी स्टोरी सुन लो। देने पड़ गए नहीं, मैंने उसको पैसे दिए थे पहले, बट उसके पास खुले पैसे इतने घटिया कंडीशन में थे ना कि वो RBI बैंक में भी ना चले। तो हमने बहुत ट्राई करा, कन्विंस करा उसको कि भाई पेटीएम ले लेके, पेटीएम चलाता नहीं हूँ मैं। फिर एंड में ये मनोज को देने पड़े पैसे अपनी जेब से। भाई जिसकी किस्मत में लिखा होता ना, उसी को निकालने पड़ते हैं। वो तो है ही। ये क्यों इतना धीरे चल रहा है भाई? चलो चल गई। गाइस मैं इतना तगड़ा लगता हूँ क्या? मेट्रो में एक बंदा मेरे से कह रहा स्टेरॉइड लेते हो। पूछ रहा था वो, कह रहा था आप 8 महीने से जिम कर रहे हो, कुछ ले लो साथ में। हाँ तो कुछ हो नहीं पा रहा है भाई। 8 महीने से ले रहे हो तो उसको लगा ना कि कुछ ले रहे हो, वो स्टेरॉइड का लग रहा था भाई। मैं कुछ तगड़ा ही लग रहा हूँ आज। क्या कहा था, हमारा 12 बजे का प्लान है, पर हम 1 बजे से पहले नहीं निकलेंगे। 1 बजे हम मेट्रो स्टेशन पे थे इसकी वजह से। अरे कुछ नहीं, मैं बस क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। मैंने इसको फ़ोन करा था भाई साहब को 12:10 के आसपास, मैंने कहा भाई रेडी हो जा चल रहे हैं। कहता भाई मैं लोशन लगा रहा हूँ, मैंने कपड़े नहीं पहने हुए। अरे तो सुनो ना, अगर किसी बंदे को 12 बजे जाना हो अपने घर से, सॉरी अगर किसी बंदे को 12 बजे जाना हो घर से अपने, 12:10 पे मैं कॉल करूँ तो एटलीस्ट मैं कपड़े पहन के रेडी तो बैठा होगा ना। ये भाई साहब लड़कियों की तरह लोशन लगा रहे, कहते भाई मैं अपनी स्किन मॉइस्चराइज करना चाहता हूँ, मैंने कपड़े नहीं पहने हुए, घर मत आ मेरे, आराम से निकलेंगे बाद में। और मुझे व्हाट्सएप कर रहा है भाई, कह रहा भाई 12:30 PM 12 बजे का 12:30 हो गया, और फिर मेरे पे इल्जाम लगा रहा है। और अगर ये ब्लॉग में एडिट हो गया ना, तो फिर मैं इसको नेक्स्ट ब्लॉग में देखना कैसे मार मारूंगा इसको गंदी वाली। अगर एडिट हो गया तो उनको कैसे पता चलेगा तूने क्या बोला? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसका हिस्ट्री है हमेशा प्लान कैंसिल करने की। देखो हिस्ट्री कैसी भी हो, 12 बजे तो हमारे यश का फोन आया था कि मैं भाई मैं नहाऊँ कि नहीं नहाऊँ।
अब वो ही ना, जब बंदा फोन नहीं उठा रहा सामने वाला तो बंदा क्यों पहने, क्यों तैयार हो। मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, मेरे ब्रेकफास्ट कर रहे थे इसलिए मेरे फोन नहीं उठा पाया। हम तो ऐसे आ गए बिना ब्रेकफास्ट के भाई। तो तुम्हें 12 बजे क्यों बोल रहे हो? तो भाई जब 12 बजे निकलना है तो 11 बजे ब्रेकफास्ट करो ना। 12 कर लिया था ब्रेकफास्ट मैंने। लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट करता है, मेरा ब्रंच होता है भाई, अमीर लोग हैं। ब्रेकफास्ट और लंच को एक में कर रहा है, एक मील बचा रहा है तू अमीर। तो हैवी करते हैं ना हम। आम खा के आए, आम खा के आए ब्रेकफास्ट। अल्फोंसो आम थे वो, पूरा तो बता। अरे हमारे वाला कहाँ है? ये जो भीड़ आ रही है इसी में कहीं पे हमारा तीसरा साथी भी होगा, दिख नहीं रहा भाई। वही उतरना भूल गया। अरे सही में दिख रहा तेरे को कहीं पे? भाई मैं नहीं बना रहा, लोग बोलेंगे मेरी हमारी वीडियो बना रहा है। गाइस यश ने हमारी फुटेज खराब कर दी, पता नहीं कब कब मैं बाहर निकल गया, मैं तो पता नहीं चला। सोच के बैठे थे कि एक बढ़िया सा उसका वेलकम टाइप ऑफ बनाएंगे, बट तो थोड़ा क्यों थोड़ा शर्मीला है ना उसको, थोड़ा यूज टू करना था हमें कैमरे से, पर अभी बाहर जाके करना पड़ेगा। चलो मिलते हैं तो बताएंगे। हेलो क्यों ओ बॉम्बे भाई, उठा उसको। अब इनवैलिड रोहित शर्मा लग रहा है। अबे तो तूने रोहित शर्मा वाली फिजिक कैसे बनाई? ओ बेवकूफ, एस्केलेटर से गए थे हम ऊपर। तो ये तो बता दे रोहित शर्मा वाली फिजिक कैसे बना ली तूने? वो लग रहा है मंगलपुरी का टैटू आर्टिस्ट। गाड़ी देख निकल दिया यार, कैसे बन गया छप्पर विभाग का प्रधान। ओ भाई भाई तुम जैसे लोग वैसे बैन हो जाते हैं हम। तो तू क्यों दे रहा गाली है फिर? डिस्क्लेमर डाल दूंगा भाई, मल्टीप्लाई करेगा आपस में तेरा आंसर क्या आएगा? पता होता घूम रहा भाई, जीरो नहीं आएगा, जीरो भी तो होता है। ओ चलो अरे जा राजवीर के बाल, राजवीर राजवीर भैया के बाल खराब हो गए। राजवीर इसे कहते हैं असली फेमिनिज्म, जो तू फैलाता है ना गलत, वो नहीं होता। कुछ मत बोल, ये पति पे दहेज के जो लड़के जानते हैं हेल्प करते हैं लड़कियों को उनको। अबे मैं बताऊं तेरे को, जब मेट्रो में बैठे थे ना मेरे साथ में अंकल बैठा था भाई, पता है क्या सर्च कर रहा था यूट्यूब में? क्लिप्स टू इम्प्रेस अ लेडी। तो भाई वो बंदा रुका नहीं, वो पता नहीं गाने सर्च कर रहा, उसने इम्प्रेस कर रहा पता नहीं भाई, बैग रख के बैठा था गोदी में, क्या छुपा रहा था भाई। मैं एक आंटी बैठी थी वो कर रहे थे बेड टाइम स्टोरीज। क्या वो तो अपने बच्चे के लिए कर रही होगी? सो गाइस हैप्पी फेसेस ईटिंग। हेडफोन टेस्ट करते करते उसकी याद आ गई। बढ़िया है, है? बढ़िया तो है व्हेन वी करें टेस्ट। चलो क्या क्या कर रहे हैं बता, वीडियो बनेगी? कर ले तो कर ले, डिलीट कर ले यार, आ जा। वो कहाँ गया तू? करना डिलीट। करना तू नीचे हो गई यार, कितना स्मार्ट है यूज़ रहेगी आपको भी। कोई खींच के गया हो गाइस? इधर एक बहुत बढ़िया है, जैसे जो आज़ादी की लड़ाई में हमारे सोल्जर्स हैं ना उनकी चिट्ठियाँ यहाँ पे, ये सारी आप पढ़ सकते हो। ये चीज़ें मॉल में लगानी चाहिए एक्चुअल में, पता नहीं फूल पत्तियाँ लगाते रहते हैं। जय हिंद जय भारत। चलो भाई ये देख, उर्दू में भी लिखा है, इंग्लिश में, हिंदी में, कितनी सही राइटिंग है। तो देख
आराम से पढ़ सकता है तू। ये देख, दीदी और जीजा से कहने मैं अपने भांजे से को पहली बार, तो दिल छू गई भाई बात। फोटोज भी हैं। राइटिंग देखो यार, डियर फादर आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड सेफ, फाइव फ्रेंड्स लॉस्ट। गाइस हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए सोल्जर्स की, हमें लगता है कि हम बहुत सेफ हैं पर वो हमें सेफ रखने के लिए हमेशा सरहद पे खड़े रहते हैं। यश कुछ सीखा है तूने इनसे? बाय बाय क्या आई पाजी गेंद आई होगी, भाई बॉल आई है भाई, दो पे दो छोड़ दी। यश भाई तू रिटायरमेंट ले ले, संन्यास ले ले, तू खत्म हो गया क्या कर भाई बोल ला ना, बोल मुझे छोड़ दे पूरी मेरा बाहर देख इंसान लग के अबे बोल्ड हो गया दादी बोल्ड बॉल तो बड़े थे मिस हो के कैमरामैन की गलत जगह पे लग गई वो वाली पहले वाली आनी चाहिए, पहले वाली तो सिर्फ रिकॉर्डिंग करी सारे, बल्कि सेकंड वाली इतनी लग तो गई, पहली वाली तो इतनी टच भी नहीं हुई थी यार। टीटी भी है, टीटी क्या अबे स्केटबोर्ड चला पहले क्या एक पैर से कौन गिरता है भाई, जाना ये चलाएगा उसको पलाना था झूठ कितना बोल रहा भाई ऐसे भाई मैं कंटेंट दे रहा हूँ गाइस आराम आराम है इधर, पूरी कोई लाइन नहीं थी इधर, अकेला एक बंदा खड़ा था, मैं ऐसे बैठ गया कि चलो ये बंदा जाएगा तो हम अपनी आइसक्रीम का ऑर्डर दे देंगे, वो बंदा तो नहीं गया, छः सात लोग आ गए पता नहीं कहाँ से यार, उसके दो भाई जा रहे हैं, मैं ऐसे बैठे हैं, ये बेशर में भी फोन चला रहे हैं। गाइस अभी भीड़ कम होने के कोई आसार नहीं है, खैर जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ पे भीड़ आ ही जाती है। एक यूट्यूबर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा फेम मिलता है भाई, यूट्यूबर मेरे दोस्त ऐसी फेम खा रहे हैं मेरे नाम का भाई, जब अपना फेमस हो जाएगा ना करना बोलूंगा मेरे ऐसे पता नहीं कितने दोस्त बैठे गए भाई, जब तेरा चल जाएगा ना तो हमें शाउट आउट दे दियो ऐसे नहीं दूंगा 5,000 रुपये लूंगा अबे दे दूंगा भाई कुछ टेंशन। ये बारहवीं वाले हर जगह प्रमोशन करा रहे हैं पर ओपनहाइमर जीतेगी। सो गाइस मॉल का दौरा होता है ख़त्म और मैं तो ये कहूँगा कि मेजोरिटी में हमें कपल्स ही दिखे हैं और काफी सारे लोग सेटल करके बैठे हैं इधर अपने पार्टनर्स के लिए, मतलब उनको उससे ज्यादा अच्छा मिल सकता है जिसके पास तो ठीक है तो तुम लेस के लिए हमें सेटल करो यार, देखो हमें भी देखो हम सिंगल हैं, हम तूने अंदर भी तो ये बात बोली थी मुझे अपने आप मत मिलाओ इधर, अच्छा मुझे मत मिलाओ अपने आप में, हां तेरे को तो मिल नहीं रही, हम तो बाय चॉइस सिंगल हैं। गाइस मॉल से निकल गए, बहुत पसीने भी आ गए, ऑटो में बैठ गए, बहुत देर हो गई है, ऑटो वाले भैया कह रहे कुछ भी हो जाए बिना चार सवारी के जाऊंगा नहीं यहां से, एक बार ठीक है भाई ठीक है, बारी ये बताना जरूरी है पसीने। अरे भैया ये लड़की क्या कह रही थी, 20 में चार लोग जाते हैं 50 में एक जाता है, मतलब वो उसके कहने का मतलब कि 20-20 में पर्सनल जब 50 जाते हैं तो इतनी सवारी क्यों ले यार, दो लेके जाओ। अच्छा क्यों वही तेज है ना, अभी भी उसी में बैठ गई रही है चार सवारी बताओ यार ऐसे होता है, अरे जिस ऑटो में हम बैठ जाते हैं वहाँ पे लड़कियाँ नहीं आती, हमारी थोड़ी किस्मत कच्ची है इस मामले में, ना क्या है तेरे साथ ना कि तुम्हें आता हूँ गलती से तेरे साथ आता हूँ ना इसलिए नहीं हो पाता, पहले बता दो तुम्हें घर की ही बैठा था, वो भी छाट के बैठा था वही तो। बाय बाय हैं ओए विशाल तू सुपरमैन है कि बैटमैन है, सुपरमैन फाइनेंशियली तो स्पाइडरमैन है भाई, थोड़ा दूर हो जा पीली रेखा से, पीछे हो जा वरना बात मत करियो मेरे से आ जा पीछे भाई, कुछ नहीं पता भाई इंसान टकमगा जाता है भाई, इन दोनों का फाइनली उसके दिल में जगह मिल गई सर्वाइविंग विद 47 अदर्स। सो गाइस मॉल के बाद अब हम जा रहे हैं मजनू का टीला वहाँ के मोमोज खाने, सिर्फ मोमोज खाने नहीं और बहुत चीजें भी ट्राई करेंगे, लाफिंग और शायद और कुछ देखते हैं, लाफिंग के अलावा कुछ पता ही नहीं है, बढ़िया बस ऐसी बढ़िया रहे मौसम एकदम मेरी तरह। सो गाइस ये है अपनी मजनू का टीला,
यहाँ पे ज़्यादातर आपको नॉर्थ ईस्ट साइड का ट्रेडिशन देखने को मिलता है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट, कल्चरल रेस्टोरेंट्स, वहाँ का कल्चरल फूड, तो ये सब है। दिल्ली एक्चुअली जगह जगह बैठी हुई है, जैसे मजनू कटीला में नॉर्थ ईस्ट है, सीआर पार्क में थोड़ा बंगाली साइड जाता है, तो दिल्ली में आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ देखने को मिल जाती है। गाइस यहाँ का सबसे फेमस कैफ़े तो यही है आमा कैफ़े, पता नहीं क्यों इतनी होड़ है इसकी, चलो ट्राई करते हैं। वैसे मैं आया हूँ पहले किस चीज़ के, तो है ही, अभी तेरे को मैं ही लेकर आया हूँ। देखो भाई इनका आमा कैफे आने का सपना पूरा हुआ, इसको स्कैन कर लो भाई, मेन्यू इसी में मिलेगा तुम्हें। भाई तुम डेकोरेशन देखो, भाई तुम डेकोरेशन देखो भाई, बदला लेने की निंजा टेक्निक है ये, मैंने डलवाई है इसकी विशाल की लाफिंग में बहुत मिर्चे, ये बड़ी देर से परेशान कर रहा है, बड़ी हाथ खाना नहीं खाने दे रहा भाई, कहीं कहीं बैठ रहे हैं वहाँ से उठा दे रहा है, अब तू खा बेटे अब तू खाओ भाई, इतनी जहर देख रहे, देख काली पड़ गई, इतनी पीली लाफिंग काली पड़ गई, इतनी मिर्चे इसमें, अब आएगा मजा तेरे को, अब तो तेरी खत्म हो गई, तुम भी खाओगे, तुम लोग हम क्यों खाएंगे, हम तो खाते नहीं, हम तो वेज खाते ही नहीं, दोस्त मेरे हम तो वेज खाते ही नहीं, वेज खाने के लिए हम तो वेज खाते ही नहीं भाई। आ हाँ आपका ये ले टूथपिक उठा खा इसको, अरे सुपर ब्लॉग बनकर तब खाऊंगा, नहीं 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 टेस्ट रिव्यू, टेस्ट रिव्यू विशाल, पैसे हो जाएंगे, पैसे हो जाएंगे, मैंने कहा पैसे दे दे खत्म मेरे पास, अबे यार जल्दी कर, चल कर टेस्ट कर, फूड ब्लॉग फूड रिव्यू, हाँ चल कर, अब तेरे अब आए उसे एक मूंगफली खाई थी उसने, बर्बाद हो गया, चल ये टूथपिक किसने लिया, तो ऐसी खानी थी तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं, चल हाँ नहीं, चल चल चल, अबे ठूस इसे, हाँ ठीक है हम भी चालू करके रखे हैं, कितनी तू एक्टिंग करता है हम भी देखते हैं भाई, पसीना क्यों आ रहा है माथे से, हाँ हाँ चल क्या, एक चिकन मोमोज कर दो, चिकन मोमोज वो भैया ये लड़का अगर कोल्ड ड्रिंक मांगे तो देनी नहीं है नहीं आखिर कैसे लाल पड़ रही है, पसीना कैसे आ रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी नहीं इसके अंदर मिर्ची बहुत है क्या हो गया बढ़िया ठीक है अच्छी है, हाँ भाई बदला तो हम लेते ही हैं, छोड़ते हैं तो वहाँ का लोकल फूड ट्राई करना चाहिए, कोई नहीं बबल टी चल अभी तो बबल टी भी ट्राई करेगा क्योंकि खाने की जरूरत पड़ेगी तेरे को, ये हाफ वेज मोमोज भी दे रहा सिर्फ म्योनीस म्योनीस के साथ अपन भी करते हैं, वो जब फ्रेश बना के दे रहा था तब तेरे को रास नहीं आया ना, आप तो ले लिया है हाफ वेज मोमोज मत लो भैया मत लो, भाई सब रीजनेबल रेट है भाई, विशाल को तो कुछ नहीं पीने देना भाई, भाई हमारे चिकन मोमोज तैयार हो गए, हाँ सब डाल दो बढ़िया, चिली मेयोनी सब, भाई तीखी में ही तो मज़ा है यार, तुम उसका ओए मज़ा आ गया। मोमोज खाने के बाद हम आए यहाँ लासा कैफे, देखते हैं तू क्या खाता है ऑथेंटिक तिब्बतन में, चलो गाइस इंटीरियर चेक करो यार कितना बढ़िया है, ये रहा विशाल भी इंटीरियर में आता है, यहीं रहेगा इसके बाद, और ये तो अंदर का है मतलब बाहर और भी सीटिंग है वो भी बढ़िया है, वो भी दिखाऊंगा जाते टाइम, तो ये विशाल ने मंगवाया है वेज थुप्पा, वेज स्पेशल थुप्पा लिटरली, हाँ स्पेशल यार, इसने 40 रुपये फालतू दिए हैं, इसने मशरूम डाल दिया उसने 40 रुपये दे के ले खा, ज़रा बता दियो कैसा है फिर हम भी मंगवाएंगे, एंड आई थिंक दिस इज गोना बी अ गुड टिबेटन मील फॉर मी,
ये तो बता दे कि रेस्टोरेंट कैसा है। रेस्टोरेंट इज क्वाइट नाइस, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, रेस्टोरेंट बहुत सही है और यहाँ का स्टाफ बहुत पोलाइट है, हेल्पफुल है। हमने उनसे पूछा कि इसमें क्या क्या इंग्रीडियंट्स है वगैरह वगैरह, क्योंकि हमको थोड़ा डर है क्या। तो भाई वो तो बताएंगे, उनका काम है भाई, तो स्पेशल बता कि लोकेशन वगैरह कैसी है, बैठने का तरीका कैसा है, इंटीरियर कैसा है। मेरा फर्स्ट टाइम है। हाँ चलो इसको ट्राई करते हैं, चलो इसके बाद ही मिलेगा। अब बता दे कैसा बना है। बहुत अच्छा है, मजा आ गया। पानी ज्यादा नहीं है, इसने हमारी ऐसी कर रखी है इस आदमी ने, हमें कुछ खिला नहीं रहा है। सही बात है भाई, खुद लाफिंग खा रहा है, ये खा रहा है, हमारा तो कुछ आ ही नहीं रहा। हमारे लिए तो पैक करा के ले आता, अकेला आ जाता है। सारे स्पाइसेस एकदम सटल हैं, अच्छे से मिक्स हो रहे हैं। नूडल्स दो टाइप के हैं, राउंड और फ्लैट, ड्रेसिंग बहुत अच्छी। तू ये तो बता दे भाई, अगर घर में तू ऐसी मैगी बनाता तो आंटी बोलती नहीं पानी ज्यादा है। बोलती, लेकिन आंटी तिब्बतन नहीं है ना, आंटी हिंदुस्तानी है, तिब्बतन लोग तिब्बतन खाना खाते हैं। जो आंटी की आने वाली मूव है वो तिब्बतन। ठीक है भाई, दीवाना ज्यादा दीवाना मत हो जाइए। आप लोग जब भी यहाँ पर आओ तो इस कैफे को जरूर विजिट करना। क्यों तेरे को पैसे दिए ना भाई? पैसे नहीं दे रहे जब वो क्यों आना भाई, जब तक स्पॉन्सर नहीं किया कैफे को तो हम नहीं रेकमेंड करेंगे। अपने मन से आना तो आ जाओ भैया, और बाकी तेरी तो मैं चॉइस पे यकीन करूंगा अभी नहीं, पता चले भाई स्पॉन्सर वो करवा दे कि हाँ आओ 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 इधर आए लोग, गाने दे मेरे को। चल ठीक है भाई, खा ले भाई चैन से खा ले भाई। इस कैफे में बिल्कुल नेट नहीं आ रहा है, ना हमारा नेटवर्क आ रहा है, ना हमारा इंटरनेट चल रहा है। तो अगर मम्मी आप ये ब्लॉग देख रहे हो, मतलब जब भी देखोगे तो समझ जाना कि मैंने आपका फ़ोन क्यों नहीं उठाया था, फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था, ज़्यादा टेंशन में मत लाना। भाई हमारा खाना भी आ गया, वही वही वही, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, विशाल का कुछ नहीं है इसमें। खींच ले फोटो भाई, आज आज मेरा सपना पूरा होगा शिनचैन जैसा खाना खाने का। शिनचैन का पापा ये खाता है क्या भाई? कैसे खाता है इसे? ये तो पता नहीं भाई, बहुत मौज लेके खा रहा है, मेरी तो तबीयत सी खराब हो गई थी काकी, और आधा खत्म हुआ है ये, आधा पड़ा है भाई। क्या खाते हैं तिब्बत के लोग? हम दो जनों ने खाया ये आधा बाउल, इसे देखो निपटा गया। मैंने कहा था ना बाहर से दिखाऊंगा, मेरे को जान देना पहले। ये देखो भाई, ये बाहर का व्यू था। क्या गाइस, मैंने तो अपने लिए टारो बबल टी मंगवा लिया, मजा आ गया। इतना मजा भी नहीं है इतना बोल रहा है। भाई मेरे को तो आ गया, तूने वो खाया ना अपना दुख पास है, हमें नहीं आया उसमें मजा। अब दुख पानी है वो, अपनी अपनी है। इन दो कुत्तों ने मैं कुछ नहीं खिलाया खा भाई, मैंने कहा खा लिया, मैंने भी नहीं खाया कुछ, इसकी वजह से हुआ है सब कुछ। लेकिन वहां से खा लो, वहां से खा लो, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तो तूने तू क्या कर रहा है, पता नहीं कहां खा लिया। बड़े केएफसी में खाते वही तो भाई, इसको इसको खाना था इसको। हुक्का थोड़ी है ऐसे कैसे पी रहा है। ओए ओए हट जा हट जा, इसको अभी भूख लगी है तो ये मोमोज लेगा यहाँ से। सो गाइस वक्त हो गया है यहाँ से जाने का, एंड मोर और लेस एक सक्सेसफुल डे इसको मान सकते हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद भाइयों के साथ इतना मज़ा आया है। अब खाने का एक्सपीरियंस जैसा भी था उसका छोड़े निगलेक्ट करते हैं, बाकी डे तो सक्सेसफुल ही मानूंगा। सो गाइस थके हुए खिलाड़ी पहुँच चुके हैं पवेलियन, मतलब अरे मेट्रो स्टेशन भाई, मेट्रो स्टेशन यार। तो भाई तो तुम तो कुछ बोल नहीं रहे, जो मेन एक्टर है उसी को बोलना पड़ेगा ना, मेन कैरेक्टर को। रहन दे शक्ति कपूर, विशाल के साथ कभी घूमने मत आना। हाँ घटिया आदमी है भाई, ये हमेशा प्लान खराब करता है भाई, पता नहीं हमने तो क्या बिगाड़ा इसका। चलो कोई नहीं यार, बड़े दिनों बाद भाइयों के साथ मजे आए हैं, ओवरऑल डे सक्सेस है। गाइस पहुँचती मेट्रो आ गई है, बस सीट मिल जाए भाई, नहीं मिलेगी सीट भरी हुई मेट्रो। वैसे ज़्यादा भीड़ नहीं है, खाली हो जाएगी अभी, पीछे कौन बैठेगा यार। तो इसकी ऐसी की तैसी। सो गाइस अब हमने यश को बाय बोल दिया है, अब मैं और विशाल हैं बस इस जर्नी पे। भाई मेरे को इस सही में बहुत खुंदा चढ़ रही है, पता नहीं करके कैसे क्यों चल रही है, घर कैसे जाऊंगा मैं। आज जाएंगे साथ जाएंगे। चलो भाई ठीक है, देखते हैं भाई। गाइस अब हमें मेट्रो चेंज करनी है, उम्मीद है कि सीट मिल जाएगी। पिछली मेट्रो में थोड़ी देर से मिली थी पर मिल गई थी। अब वॉलेट लाइन पूरी एंड तक हमें जाना है, तो भगवान प्लीज सीट दिला देना यार।
गाइस सीट नहीं मिली हमको, हमें तो बिल्कुल लास्ट तक जाना है, लास्ट तक नहीं मिलेगी। बहुत ह्यूमिडिटी है भाई, पूरा एक घंटा खड़े होकर जाना पड़ेगा अभी। स्ट्रगल टू मेक व्लॉग्स। सो गाइस फाइनली मेट्रो का सफर खत्म हुआ एंड हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। आज का दिन काफ़ी मज़ेदार रहा, क्यों भाई? बहुत मज़ेदार, बहुत एग्जॉस्टिंग, डिहाइड्रेटिंग। हाँ डिहाइड्रेटिंग, एग्जॉस्टिंग। अब घर जाके रेस्ट करेंगे भाई। बाकी बस तुम्हें अगर व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब मारो, वीडियो को शेयर मारो, सब मारो, लाइक मारो, ठीक है? वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारी श्रद्धा है। मेरा काम था व्लॉग बनाना, मैंने बना दिया। तो चलो ठीक है भाई, बाय।